तो काफी सारे लीक्स और अफवाह के बाद जो फाइनली Redmi ने जो अपने Redmi Note 9 5G और Redmi Note 9 Pro 5G डिवाइस जो है चाइना में लॉन्च कर दिया। उसके साथ एक और डिवाइस है Redmi Note 9 4G। जी हाँ दोस्तों, तीन डिवाइस जो है कल चाइना में जो अनाउंस हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम जो इनके स्पेसिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं और कब तक ये इंडिया में आएंगे और इंडिया में इनकी क्या प्राइसिंग होगी। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट दिस रेड सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट मी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेन मॉडल की Redmi Note 9 Pro 5G की, जिसमें जो आपको देखने को मिलती है 6.67 इंच की जो है फुल HD प्लस डिस्प्ले, जिसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन जो है इसमें साथ में मिलेगा। जो मेन चेंजेस जो क्या क्या हुआ मैं बता देता हूँ। तो 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, Redmi Note 9 Pro में जो रिफ्रेश रेट नहीं था 5G वो नहीं था, तो ये 5G है। उसमें स्नैपड्रैगन 720 था, तो यहाँ पर 750 जो है स्नैपड्रैगन देखने को मिलता है। प्रोसेसर 6GB प्लस 8GB का जो है रैम का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, दो अलग अलग वेरियंट देखने को मिलेंगे। और 256GB का जो आपको जो है मॉडल देखने को मिलेगा, 128GB का भी देखने को मिलेगा, 64GB का मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ कहना मुश्किल है। और साथ ही एक धमाकेदार चीज देखने को मिलती है, वो है 100 megapixel कैमरा। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, 100 megapixel। और साथ ही जो है इसमें 8MP का जो है वाइड एंगल कैमरा मिलता है, बाकी दो कैमरे मिलते हैं तो दो दो मेगापिक्सल के, जिनका कोई खास यूज नहीं है। तो एनीवे तो उसके बाद मिलता है 16MP का फ्रंट कैमरा। और साथ ही जो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, IR ब्लास्टर, 5G ब्लूटूथ वाईफाई कनेक्टिविटी सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं थोड़ा नीचे और दूसरे स्मार्टफोन की तरफ, जो कि है Redmi Note 9 5G। जी हाँ दोस्तों, इसमें मिलती है आपको 6.53 इंच की, जबकि उसमें मिल रही थी 6.67 इंच की डिस्प्ले। कॉर्निंग गोरिल्ला 5 का जो है इसमें भी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। 6GB 8GB का कॉम्बिनेशन है, 256GB दिखाया गया, 128GB मिलेगा, 64GB मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई जानकारी नहीं है। 48MP का जो है इसमें मेन कैमरा दिया गया है, चार कैमरे इसमें भी दिए गए हैं, 8MP का वाइड एंगल और साथ में 2-2 megapixel दो और कैमरे, 13MP का फ्रंट कैमरा जो है इसमें दिया गया है, 5000mAh की जो बैटरी देखने को मिलती है अभी 33W फास्ट चार्जिंग के साथ। तो Redmi Note 9 Pro 5G में जो बताना भूल गया था, उसमें भी जो आपको 4820mAh की बैटरी मिलती है, 33W का फास्ट चार्जर उसमें भी देखने को मिलता है। अब आउट ऑफ द बॉक्स ये चार्जर देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा वो पता नहीं मुझे। उसके बाद बात करते हैं Redmi Note 9 4G। तो 4G हो गया तो 4G क्या लेना, 2021 में कुछ अलग ही लेंगे इस बार, फिर भी स्पेसिफिकेशन में तो बताना जरूरी है। तो 6.53 इंच की डिस्प्ले इसमें भी देखने को मिलती है, डिज़ाइन थोड़ा अलग है इसका, देख सकते हो यहाँ पर उन दोनों डिवाइस जहाँ पर वहाँ सर्कल में दिया गया था, यहाँ पर जो है राउंडेड कॉर्नर दिए गए हैं। 48 मेगापिक्सल का प्लस 8MP प्लस 2MP का जो है इसमें भी कैमरा सेंसर दिया गया है। सॉरी, इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, दो में ज़्यादा बोल गया, पर एनीवे 4G मिलता है इसमें, 5G नहीं है। बट एक प्लस पॉइंट है, 6000mAh की बैटरी मिलती है इसमें आपको विद 18W फास्ट चार्जर। इसमें आपको जो है 4GB 6GB 8GB 4GB का रैम का भी जो ऑप्शन जो आपको इसमें देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, यानी कि चाइनीज युआन के अकॉर्डिंग जो है इनकी प्राइसिंग क्या बनती है इंडिया में। Redmi Note 9 Pro 5G 6GB प्लस 128GB, यानी कि सबसे जो बेस मॉडल है उसकी प्राइसिंग अगर हम कैलकुलेट करें जो इंडियन रुपीज में, तो बनती है तकरीबन 17,900 रुपये के करीब। और वहीं बात करें हम Redmi Note 9 5G 6GB प्लस 128GB की, तो उसकी बनती है 16,800 के करीब। और वहीं Redmi Note 4G की बनती है 11,200 के करीब। तो ये बेस मॉडल की प्राइसिंग है, तो इतने स्टार्ट होते हैं। तो इंडिया में कितने में स्टार्ट होंगे तो वो तो अब Redmi ही जाने कितने में होते हैं। बट हाल फिलहाल जो है एक अपडेट किया गया है, जो कि तीन मेन चेंजेस है। 120 रिफ्रेश रेट बढ़ा दिया गया, 5G कर दिया गया, 100 megapixel का कैमरा, यार देखने वाली बात होती है इस प्राइस रेंज में 100 megapixel कैमरा। और कलर भी जो है थोड़े से अलग कर दिए गए, कलर भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी काफ़ी। तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट देखने को मिलता है कि क्या ये डिवाइस जो इंडिया में इसी नाम से लॉन्च होते हैं या फिर Redmi Note 10 Pro। खैर अब तो वो हमारे मनु कुमार जी जैन जी बताएंगे कि ये डिवाइस को किस नाम से लॉन्च करती है। तो हाल फिलहाल जो है अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।